लहरपुर विकास खंड परिसर में क्षेत्रीय विधायक सुनील वर्मा की अध्यक्षता में भाजपा के 4 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा विधायक सुनील वर्मा ने देश व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का जमकर बखान किया। इस मौके पर भाजपा विधायक द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम का संचालन अरुण सिंह आचार्य ने किया। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल वितरित की गई। विधायक द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों जैसे सड़कों का भी शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक ने आम जनमानस से सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की बात कही। कार्यक्रम को उप जिलाधिकारी पीएल मौर्य, अखिलेश कुमार चौबे, ब्लॉक प्रमुख परमेश्वर भार्गव ने भी संबोधित किया। इस मौके पर जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग विशाल पोरवाल, नगर अध्यक्ष रमेश वाजपेयी, भाजपा नेता अवनीश मिश्रा, रमा निकेश सिंह तोमर, राम लखन वर्मा, एडीओ पंचायत शाकिब, शुभम श्रीवास्तव सहित भाजपा के कार्यकर्ता व लोग मौजूद रहे। 4 साल में तमाम ऐसी उपलब्धियां रही हैं जिनको एक एक करके गिनाया नहीं जा सकता। सबसे प्रमुख उपलब्धि इस क्षेत्र का देवस्थल सूर्यकुंड मंदिर जो पर्यटक स्थल घोषित हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के लिए विकास के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं और बहुत बड़े बड़े काम जो 30-40 वर्षों में नहीं हो पाए थे, ये कह लीजिए आज़ादी के वर्ष बाद से उस गांव के लोग कई बार वोट का भी बहिष्कार किए, उन सभी कामों को इस योगी सरकार ने 4 वर्ष में असंभव को संभव कर दिखाया है।